मंगलो, कई बार हम माता पिता, बड़े बुजुर्ग, घर में और भी लोग जो हैं, अपने ही परिवार में अपने ही बच्चे के हम दुश्मन बन जाते हैं एक प्रकार से। वो उसके मन में उस समय हमारे प्रति नफरत क्रोध पैदा हो जाता है, और वो क्या होता है, वो नफरत क्रोध जो होता है ना, चिड़चिड़ाहट खिजलाहट में पैदा हो जाता है। फिर वो हर बात का जवाब तुनक मिजाज से देगा, या चुप लगा जाएगा, बोलेगा नहीं, घूर के देखेगा, एक अजीब स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि हम उस पर बस बराबर एक ही चीज़ का दबाव बनाते, पढ़ो 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 पढ़ो, बड़ा बनना, नाम कमाना, ये टारगेट पूरा करना, छोड़ो जी। वो जरा ही बेचारा बाहर निकल के आएगा, थोड़ा दोस्तों से बात कर ले, या सहेली लड़की सहेली से बात कर ले, या जो भी कुछ उसमें भी टोका टाके, या वैसे ही थोड़ा सा चार राउंड फालतू लगा, अरे भैया अब आधी घंटा हो गया, बहुत हो गया, चलो कमरे में चलो पढ़ो मत करो। आजकल के बच्चों को मालूम मुझे कितनी देर पढ़ना, कि वो आपका मेरा ज़माना नहीं है, जो कई कई घंटे बैठ के पढ़ते हैं। और उसमें भी आप नोट कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति 6 घंटे 8 घंटे लगातार टिक के एक साथ एक सांस में नहीं पढ़ सकता रोज़ाना, उसको भी हर 2-3 घंटे बाद थोड़ा खड़ा होके थोड़ा सा वो अपना जो भी है थोड़ा अलसा मलसा करेगा, थोड़ा अपने आप को कहते ना पानी पिएगा, चाय या पिएगा, जिसको जैसी आदत है ठीक है करेगा, वो थोड़ा सा एक राउंड घर का ही ले लेगा, और तो क्या करेगा, छत पे चला जाएगा जैसा भी, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो, फिर वापस आकर चाहे वो सारे दिन पढ़े लेकिन 10-15 मिनट बीच बीच में ऐसा करेगा वो, ठीक है ना। कईयों को कॉफ़ी चाय पीने की बहुत आदत है, बना के रखते रहते पीते जाते हैं। कुल मिला के जो भी कुछ करें, मेरे तो एक प्रोफेसर साहब थे हमारे कॉलेज के अंदर, बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिस्ट थे, कुमार साहब सरदार जी थे, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, इतना हंसाते, बड़ पूछो वो, मतलब यूँ समझ लीजिए कि बस गजब के थे वो, जैसे उनके अंदर फ्राइड यंग मैन सारे उनके अंदर थे। तो वो हमेशा क्या करते कि मैं जब पढ़ता था तो मैं तो कहते पेपरों को समय फिल्म देख लिया करता था चोरी चोरी से, क्योंकि वो हमसे तो बहुत बड़े थे ना, तो उन दिनों में फिल्मों का ऐसा भी हुआ करता। ओ बोले अंजा कहने करते यहाँ पर ये कि आपके चाहे पेपर फाइनल चलो, आपको नहीं टोकना, वो बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अगर घर में बैठ के फिल्म देख रहा कोई बात नहीं, अब वो करेगा तो करेगा, आपका काम तो केवल आप केयर टेकर हैं, माँ बाप हैं तो केयर टेकर रहे ना, बच्चे को कहाँ पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो बताएगा, मेरे को इस जगह एडमिशन करा दो, मैं इस जगह इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता हूँ, ये मेरे को चीज़ ला दो। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ खाली इतना सही है कि आपको केवल जो बच्चा बोले वो आप मुहैया करवाएंगे, वो चीज़ उसके लिए करेंगे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो उसकी पढ़ाई का कुछ भी ज्ञान नहीं, और मान लो आप सेम फील्ड के तो भी कुछ नहीं कर सकते, आप इंजीनियर है डॉक्टर, बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर करे तो आप क्या कर लोगे, हाँ कोई चीज़ पूछे तो आप बताओगे, लेकिन वैसे थोड़ी किसके साथ बैठे रहोगे आप। बच्चा फिर क्या समझता, मैं तो घर के अंदर ही कैद हो गया, बार बार टोका टाकी सब लोग करते हैं, ये तो सारे तो वार्डन हो गए, सारे हेडमास्टर नहीं हो गए, ऐसा मत अपने आप को घोषित करो। आपको तो केवल दोस्ताना व्यवहार करो, माँ हो बाप हो बहन हो भाई हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, और कुछ नहीं। आप तो पढ़ाई की बात भी ना करो कि बच्चा कैसी स्टडी चल रही है, कुछ हो भी जाए ऊँचे नीचे तो बेटा कोई बात नहीं, तुझे देखना हम तो तेरे लिए तेरी सेवा के लिए तैयार हैं, बस हमें तो इतना मालूम है, तू कुछ भी बन जाएगा हमें मंजूर है, ठीक है ना। तू फेल हो पास हो, नंबर कम आए ज़्यादा आए, ग्रेजुएशन कम हो, क्या क्या होगा, लेकिन हेल्थ की कॉस्ट पर ना हमें पढ़ाई चाहिए तेरी ना कमाई चाहिए। तो खुशी खुशी कर, जो भी कुछ कर, हंसते हंसते कर, मुस्कुराते हुए कर, ऐसे नहीं कि बिल्कुल शरीर को गला कर कठोरता के साथ अपनी वो कुल, बाद में बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती केवल शरीर से भी ना। इसीलिए मेरी थोड़ी सी बात को थोड़ा गहराई में लीजिए, कुल मिला के इसका मॉरल जो कहते हैं ना एक वो निष्कर्ष किया कि आपको बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना है, उनको टोका टाकी तो किंचित मात्र भी इतना सभी नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना बच्चा जो कुछ करेगा अपने स्टाइल से पढ़ेगा, पहले आप और हम लगातार पढ़ते थे, आजकल बच्चे 2-3 घंटे पढ़ते, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, मतलब एक ही सिटिंग के अंदर, ये मैं कहने जा रहा हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।